तमनार में स्थित जिंदल पावर लिमिटेड से निकलने वाली राख ग्राम कुंजू मुरा के निवासी व मवेशियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल इस राख की वजह से गांव के हर जगह आपको सफेद रंग की परत नजर आएगी, जो गांव वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। तमनार में स्थित जिंदल पावर लिमिटेड, जहां विद्युत की उत्पादन की जाती है, जिसमें विद्युत उत्पाद के बाद कोयले से निकलने वाली राख को कुछ ही दूरी पर स्टाफ डैम बनाकर रखा जाता है। पहले तो डैम की ऊंचाई कम होने के कारण राख नहीं उड़ती थी, लेकिन आज इस डैम के ऊपर और दो डैम के निर्माण कराए जा चुके हैं, जिसमें राख पूरी तरह से भर चुकी है, जो कि हवा के तेज बहाव के साथ गांव में घुस आती है, जिससे गांव के हर चीजों में सफेद रंग की एक अलग सी परत चढ़ चुकी है। 1500 आबादी वाले इस गाँव में वो दिन दूर नहीं जिस दिन गाँव के प्रत्येक व्यक्तियों को आँखों की बीमारी से जूझना पड़ेगा। इस राख से तो गाँव की हर चीज सफेद हो चुकी है, चाहे वो कपड़े हो या खाने में उपयोग होने वाली सामग्री, चाहे तालाब हो या नाला, हर चीज राख से प्रदूषित हो चुकी है और साथ ही फसलों पर भी बहुत नुकसान हो रही है, जिससे सब्जी की फसलों पर अच्छी खासी नुकसान देखने को मिल रही है। आज तक इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों को न कोई प्रशासन देखने आ रहा है, न ही जिंदल से कोई ग्रामीणों की किसी प्रकार की सुध ले रहा है। अरे जिंदल के द्वारा जब से यहाँ डैम बनाया गया है, तब से कुंजमुरे को परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो जिंदल ने कुंजमुरा की जो शमशान भूमि है उसको ले लिया। आज कुंजमुरा में शमशान भूमि नहीं है। जिंदल वाले बोलते हैं कुंजमुरा हमारा गोदगाम है, उनके उसके बाद भी हम गोदगाम बोलते हैं, उसके बाद भी यहाँ भी कोई मूलभूत विकास नहीं हुआ है। जहाँ पे राख है आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके किचन के अंदर तक या बेडरूम के अंदर तक राख ना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने खाने में राख खा रहा है। आप इस डाइक से लगा हुआ कुंजमुरा का तालाब है, उसमें देखिए पानी नहाने लायक नहीं है। कई बार जिंदल वालों को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाके भी और सामूहिक रूप से लोगों ने जाके किया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जिंदल के राख खा रहे हैं। हमको जितना समस्या हो रहा है, इस समस्या के बारे में हमने जिंदल को कई बार अवगत कराए हैं, जिंदल के अधिकारी कर्मचारी को कई बार अवगत करा चुके हैं, जो आज तक ध्यान नहीं दिए हैं और हमारे खाने पीने किचन रूम के सामग्री तक राख ही राख दिख रहा है। आंगन में दिख रहा है, गली में दिख रहा है, फसल साग सब्जी बाड़ी में दिख रहा है, कपड़ा लत्ता हम लोग बाड़ी आंगन में सुखा रहते हैं वो भी फिर धोने लायक होता है। और मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मेरा खेत खलिहान बाहर में है, लगा हुआ है रोड से, मैं आते जाता रहता हूँ तो मोटरसाइकिल में आते जाते रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दिखा है, सामने दिखाई नहीं देता है रास्ता, वैसे राख उड़ रहे हैं जिसको आज तक कंपनी ने ध्यान नहीं दिया है। न कोई हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम किसको मांग कराएं। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि हमारा समस्या का तत्काल निदान किया जाना। मेरा गांव के पास में एक एस टाइप है और एस टाइप लगभग 200 एकड़ का एस टाइप है और उसमें गर्मी के मौसम में क्या होता है कि फ्लाई एस बहुत जल्दी सूखता है, सूखने के कारण हवा के साथ उड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए उद्योग को कहा गया है कि आप अपनी फ्लाई एस कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गीला रखें, कवर करें और स्प्रिंकलर्स का कंटिन्यूस उपयोग करें। यदि इसके बाद भी निरीक्षण कर लेंगे हम, यदि ऐसी कोई वहाँ मतलब फ्लाई एस के उड़ने का कोई कारण और समझ में आएगा या उनके द्वारा कोई लापरवाही की जा रही होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। रायगढ़ में हाँ, रायगढ़ में देखिए 21 पावर प्लांट है छोटे बड़े मिला के, लगभग 18,120 टन के आसपास राख का जनरेशन होता है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 20।